दोस्तों मैं तो अमित भगत मैं तो एक जानकारी लेके आया। अज 27 तरीक हो गई है, 31 मार्च साल का आखिरी महीना क्लोजिंग चल रही है। जिन्हें मेरे भरावां भैणां ने परसनल लोन ले सी, इनसिक्योर लोन जिन्हें ने भी ले सी और जिन्होंने किस्तां नहीं दित्तियां, उनके लोन खराब हो गए, वो सैटलमेंट कर सकते हैं। सैटलमेंट दे विच क्योंकि क्लोजिंग मंथ है, ईयरली क्लोजिंग है, क्लोजिंग मंथ है, घट्टो घट 75% तुहानू वेव मिल सकती है। अगर तुहानू कोई भी चवानी चाप रिकवरी वाला धमकी दिंदा वा, उन्हू नज़रअंदाज करो, कुछ नहीं कर सकते, तुसीं सैटलमेंट केस कर सकते हो। 75% ते वेव मिल गई, जो भी प्रिंसीपल अमाउंट है जो भी उन्हें बनाया वा, 75% ते वेव लैके तुसीं आ 4 दिनों दे विच अपना केस क्लोज कर सकते हो। तो मैं तुहानू रोज़ ही फाइनांस बारे जो जो भी मेरे को जानकारी आती है, वो जानकारी बारे एक रोज़ ही वीडियो अपलोड कराँगा। मैं सारे दोस्तों को बेनती है कि मैं फॉलो करो कि तुहाडे कोल हर जानकारी मैं पहुँचा सकाँ। हुण जिन्हां मेरा वीरां ने किसी भी बैंक तो, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक या प्राइवेट फाइनांस तो प्राइवेट परसनल लोन लिया सीगा, वो 31 मार्च तक सैटलमेंट कर सकता है। 75% तो घट वेव नहीं तुसीं लैनी, उन्होंने तुहानू देनी देनी है। तुसीं जे 1,00,000 रुपये का लोन सीगा तो उन्होंने 25,000 रुपये कहो कि मैं 25,000 रुपये देना जी, तो 25,000 रुपये के लोन क्लोज़ हो जाएगा। तो किसी भी एजेंट को रिकवरी वाले को डरने की लोड़ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। जे जानकारी तुहानू वधिया लगी है तो शेयर भी करना, तो दोस्तों फॉलो जरूर कर लो ता कि मैं अगों जो वीडियो बनावा वो मैं तुसी तुहाडे को पहुँच सके और तुहानू उस जानकारी मिल सके।